और जब इखलास के साथ कोई काम किया जाता है, नेक काम, तो उसमें वाकईतन दिल भी खुश होता है, रूह भी खुश होती है, और मोमिन और मुसलमान का अंग अंग और बाल बाल खुश होता है। कोई भी नेकी कर ले, आप एक नमाज पढ़ के देख लें, दो रकत नमाज कोई किसी भी वक्त, और इंतहाई खुशू और खुदू के साथ वह नमाज पढ़ें, इखलास के साथ पढ़ें, नफिल नमाज, रुकू सजदे ठीक करें, रुकू में जाएं तो पूरे यूं झुक जाएं, ऐसे न जाएं, और तस्बीह पढ़ें, रुकू से खड़े हों तो सीधे खड़े हो जाएं, और वो पढ़े रब्बना लकल हम, और फिर सजदे में जाए, सजदे से उठे तो पूरा सीधे बैठ जाए। इस तरह एक तरीका लोगों में देखा है कि सजदे से सर उठाया और फिर सजदे में, ये नमाज ही नहीं होती, ना फर्ज नमाज ऐसे होती है, ना वाजिब, ना सुन्नत, ना कोई नफिल। नमाज इखलास के साथ जब होती है कि जब उसको सही तरीके पर पढ़ा जाए, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि जब इखलास के साथ आप नमाज पढ़ेंगे तो आप देखिए दो रकत नमाज में भी आपको इतना गोया एक सुरूर हासिल होगा, रूहानियत मिलेगी, और आपका दिल खुश होगा कि अल्लाह ने मुझसे एक नेकी का काम करा दिया। किसी गरीब मुस्तहिक को, एक तो ये है कि आप चलते फिरते हेरोइनची हैं, चरसी हैं, मवाली हैं, कोई भी, और गाड़ियों के पीछे भागने वाले फकीर मर्द भी औरतें भी, उनको भी आप दे दें, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, सवाब होगा। लेकिन कभी कभी आप ये देखें कि रास्ते में कोई बूढ़ा मर्द है, कोई औरत है, न वो भाग सकते हैं न वो चल सकते हैं। इससे बहस नहीं है कि वो कौन है। अगर आप अपनी गाड़ी से उतर के, गाड़ी रोक के उन्हें आप अगर कुछ पैसे दे दें, वो औरत कभी कभी बच्चे के साथ होती है, वो कोई बूढ़े मर्द हों, इनको देने के बाद आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा कि अल्लाह ने मेरा माल सही जगह पे पहुंचा दिया। तो इसका मतलब ये कि मदद तो करनी चाहिए, करते हैं लोग, लेकिन अगर सही आदमी को और मुस्तहिक को आप देंगे तो आपका दिल ज़्यादा खुश होगा, और खुशी मिलती है, क्योंकि अल्लाह की रजा के लिए आपने काम किया है, और अल्लाह राजी हो जाए तो फिर दुनिया में किसी को किसी चीज की फिर तलब ही नहीं। जब अल्लाह राजी हो जाए, किसी ने ख्वाजा अजीजुल हसन मज्जूब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर एक तू नहीं मेरा तो कोई शय नहीं मेरी, अगर एक तू नहीं मेरा, यानी कौन? अल्लाह। अगर एक तू नहीं मेरा तो कोई शय नहीं मेरी, जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा, जमी मेरी। अल्लाह से कह रहे हैं, अल्लाह की तरफ ध्यान है, आंखें बंद करके अल्लाह को अपने तसव्वुर में ला रहे हैं, और उससे ये कह रहे हैं अल्लाह से कि ऐ अल्लाह, एक आप ही हैं बस, अगर आप मेरे न बने तो कुछ भी, मुझे दुनिया की नेमतें भी मिल जाएं तो बेकार। आप बताइए कि अगर किसी शख्स के पास बंगला भी हो, गाड़ियां भी हो, मुलाजिम और उसके जो हैं
काम करने वाले हों और बीवी भी हो बच्चे भी हों और बेहतरीन मकान हो और सेहत और तंदुरुस्ती भी हो और बहुत करोड़ों अरबों रुपया भी हो। अगर ऐसा शख्स अल्लाह को राजी कर ले और अल्लाह की रजा हासिल कर ले तब तो ये कह सकते हैं कि ये बड़ा बहुत खुश नसीब है कि दुनिया भी है इसके पास और आखिरत भी। अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह आपका दोस्त बन जाए, आप अल्लाह के वली बन जाए, तो बस समझ लें कि सारी दौलत आप पूरी कायनात आपके पास आ।